नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2020 की पहली भर्ती निकाल दी है नाविक जीडी की, यानी नाविक जनरल ड्यूटी की। 2/2020 बैच के लिए भर्ती आ चुकी है और इसमें 260 वैकेंसी टोटल हैं ऑल इंडिया के लिए। 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट है 2 फरवरी। और ये जो भर्ती है इसमें SC ST को और OBC को रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। जी हाँ, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसके अलावा इसमें जो मैरिड कैंडिडेट हैं, जो शादीशुदा कैंडिडेट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दो अच्छी बातें हैं, एक तो इसमें शादीशुदा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी बात इसमें SC ST OBC को रिलैक्सेशन रिजर्वेशन भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि ये वैकेंसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री की है, यानी रक्षा मंत्रालय की ये भर्ती आती है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरह इंडियन कोस्ट गार्ड भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। आज हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, मेडिकल में क्या क्या रहने वाला है, इसके अलावा आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सब जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वैकेंसी को विस्तार से। तो साथी, भर्ती आ चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड में, 10+2 एंट्री है ये नाविक बैच के लिए। 2020 का इसका बैच है, 2/2020 का, और फॉर्म भरे जाने हैं 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। अगर हम बात करें इसके लिए क्वालिफिकेशन की, तो आप देख लीजिए सारी क्राइटेरिया को। इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और अच्छी बात ये है कि इसमें मैरिड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो शादीशुदा कैंडिडेट हैं, विवाहित हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने शादी 21 साल की एज के बाद की है। अगर हम बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी की। क्वालिफिकेशन आप सुन लीजिए, क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है कि आप 12th पास होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ, कम से कम 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए एग्रीगेट। तो आपके पास मैथ और फिजिक्स दोनों होने चाहिए, यानी मैथ हो और फिजिक्स हो 12th में, आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट, इंडिविजुअल नहीं मांगा गया है, एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST वालों को और उन कैंडिडेट को जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है, यानी जिन्होंने नेशनल लेवल पे खेला है, जिनको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन मिली है नेशनल लेवल पर, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उनको अप्लाई करना होगा 45% पे। SC ST स्पोर्ट पर्सन 45% पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC EWS 50% अगर 12th में है, जो कि आजकल कॉमन हो गया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो देखो एज है 18 से लेके 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपका जन्म 1 अगस्त 1998 से लेके 31 जुलाई 2002 के बीच में हुआ हो। और इसमें अपर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। PH कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। OBC के लिए 25 साल है, SC ST के लिए 27 साल है, जनरल और EWS के लिए है 18 से लेके 22 साल। अगर हम बात करें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है और वैकेंसी कितनी है, तो देखो वैकेंसी हम आपको बता देते हैं। वैकेंसी है टोटल 260, जिसमें जनरल की है 113, EWS की है 26, OBC की 75, ST की 13 और SC की 33। टोटल 260 वैकेंसी इसमें आई हुई हैं, ऑल इंडिया ये वैकेंसी हैं। और इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। खासतौर पे OBC वालों को ये ध्यान देना होगा कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो आपको 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, और जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 35,000 रुपये महीने आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग रहने वाली है। 260 वैकेंसी आपकी टोटल आई हुई हैं, और इसमें प्रमोशन का जो चांस होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आपके पास प्रधान अधिकारी तक जाने का विकल्प होगा, यानी आप कम से कम 47 से 600 वाले ग्रेड में पहुँच ही जाएंगे। और अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं और आप एग्जाम देते रहते हैं, तो आप ऑफिसर कैडर में भी एंट्री पा सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री राशन मिलेगा, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा, 45 EL मिलती है, 8 CL मिलती है, LTC मिलती है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन मिलेगी, यहाँ पुरानी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ NPS लागू है, आपकी पुरानी पेंशन यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, ECHS ये सब आपको मिलने वाले हैं। अगर बात करें हम अप्लाई करने की, तो देखो आप 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे www.joinindiancoastguard.gov.in इस वेबसाइट से। वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी अपलोड करोगे। एक चीज़ का वो ध्यान रखना है कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम वही होना चाहिए, साथ ही डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, अन्यथा आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। अगर कहीं भी आपके भरे हुए फॉर्म में और आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी अंतर पाया जाता है, आपका कैंडिडेचर हो जाएगा निरस्त। 12th पास का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो
परसेंटेज है वो दो डेसिमल तक आप लिखेंगे और उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यानी 49.9 अगर लिखा हुआ है तो आप उसको 50 नहीं करेंगे। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप एक सेंटर चुनेंगे और जो सेंटर होगा वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम आपको आगे बताएंगे कि आपके स्टेट के लिए कौन सा एग्जाम सेंटर बनाया गया है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ सामने लिखा हुआ आ रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ नाविक 10+2 एंट्री 2020 बैच नाविक जनरल ड्यूटी, आप यहीं से अप्लाई करेंगे। और जब आपका फॉर्म भर जाएगा आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो आप लिख लेना और फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना। साथ ही जब एडमिट कार्ड आए उनको अभी एक एक कॉपी निकलवा के अपने पास रखना है आपको। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एग्जाम के लिए, उनको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जो नहीं होंगे उनको रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगी कि उनका फॉर्म शॉर्टलिस्ट किस कारण से नहीं हो पाया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर कौन कौन से बनाए गए हैं। तो देखो पहला एग्जाम सेंटर है आपका जलंधर, जिसमें पंजाब के कैंडिडेट, हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, एनसीआर जलोबा को छोड़ के, इसके अलावा चंडीगढ़ के, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले कैंडिडेट जालंधर में एग्जाम देने आएंगे। देहरादून सेंटर बनाया गया है उत्तराखंड वालों के लिए। जोधपुर सेंटर बनाया गया है राजस्थान वालों के लिए, लेकिन एनसीआर डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं नोएडा की, तो देखो नोएडा में दिल्ली वाले जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के एनसीआर डिस्ट्रिक्ट जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये यूपी के एनसीआर डिस्ट्रिक्ट जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा यहाँ पे बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, राजस्थान के एनसीआर डिस्ट्रिक्ट अलवर, भरतपुर वालों को बुलाया गया है। कहाँ पे बुलाया गया है? नोएडा। कहाँ बुलाया गया है? नोएडा। बात करें बनारस की, वाराणसी की, तो इसमें यूपी वाले बाकी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट को, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी सेंटर बनाया गया है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम वालों के लिए, पारादीप बनाया गया है उड़ीसा वालों के लिए, हल्दिया बनाया गया है वेस्ट बंगाल के लिए, कोलकाता बनाया गया है बिहार और झारखंड के लिए। ईस्ट जोन में तूतीकोरिन बनाया गया है साउथ तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के लिए, चेन्नई बनाया गया है बाकी तमिलनाडु के लिए और पौंडचेरी के लिए, सिकंदराबाद बनाया गया है तेलंगाना के लिए, विशाखापत्तनम बनाया गया है आंध्र प्रदेश के लिए, भोपाल बनाया गया है एमपी छत्तीसगढ़ के लिए, कोच्चि बनाया गया है केरल लक्षद्वीप के लिए, मुंबई बनाया गया है महाराष्ट्र, दमन दीव, नगर हवेली के लिए, वहीं न्यू मैंगलोर बनाया गया है कर्नाटक और गोवा के लिए। हमने आपको स्टेट वाइज सारे सेंटर बता दिए हैं। गांधीनगर है गुजरात के लिए और पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। आपको कोई भी एक सेंटर चुनना होगा वहीं के लिए जहां के आप निवासी हैं। मान लीजिए अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप सेंटर चुनेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। अगर आप एनसीआर वाले हैं यानी अलवर भरतपुर वाले हैं तो आपको नोएडा चुनना है, और अगर आप हैं बाकी 31 जिले राजस्थान के तो आप जोधपुर अपना सेंटर चुनेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो सिलेक्शन में आपको जब एग्जाम होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, यानी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो लेके जाना है, फिर लेटेस्ट फोटोग्राफ आप उस पर चिपकाएंगे, आपको भरा हुआ आवेदन पत्र लेके जाना है, दो कॉपी लेके जानी है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट 12th का, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं SC ST OBC का है तो वो भी लेके जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो सब आप लेके जाएंगे। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, तो देखो पहले आपको फॉर्म भरने के बाद परसेंटेज के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सेंटर वाइज आपकी मेरिट बनने वाली है, यानी जो भी सेंटर दिए गए हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, और ये सेंटर टू सेंटर अलग अलग हो सकती है। आपके स्टेट का जो सेंटर है आप वहीं अप्लाई करेंगे और वहीं आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हुए एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम जो होगा उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की नॉलेज, 12th लेवल की जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटर्न में पास हो जाएंगे उनका होगा फिर फिजिकल, इसमें 2 दिन का समय लग सकता है। PFT में क्या क्या होगा, आपका 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है, 20 उठक बैठक होंगी, 10 पुशअप्स होंगी और ये आपको करनी होंगी। जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे उनका होगा फिर मेडिकल, मेडिकल मिलिट्री डॉक्टर द्वारा किया जाएगा प्राइमरी, और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपके पास री मेडिकल का विकल्प रहेगा। जोन वाइज सेलेक्ट लिस्ट आपकी निकलेगी इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर 2020 में, उसी के बेस पर आपको बुलाया जाएगा फाइनल ज्वाइनिंग के लिए INS चिल्का पर, और INS चिल्का में आपका फाइनल मेडिकल होगा। इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको कोई भी री मेडिकल का विकल्प नहीं मिलेगा। एक चीज़ आप सुन लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो 2 फरवरी 2020 तक होने चाहिए, उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। अगर बात करें हम मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो देखो मेडिकल में आपका मिलिट्री डॉक्टर द्वारा मेडिकल किया जाएगा, हाइट है 157 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन मिलेगा हिली एरिया कैंडिडेट को, चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, वजन हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और 10% का रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, आप
कानों से वैक्स और दांतों से टाइटर साफ करके आएंगे। विजुअल असिस्टेंट की बात करें तो आपकी बैटराई 6x6 और वर्साई 6x9 तक अलाउ है, यानी 6x6 एक आंख हो दूसरी 6x9 हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चश्मा अलाउ नहीं है। बात करें अगर टैटू की तो परमानेंट बॉडी टैटू कहीं भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ के पिछले हिस्से में यानी कोहनी से लेके हथेली तक ये अलाउ है, बैक साइड ऑफ रिवर्स साइड ऑफ पाम बैक डोर्सल पर, और इस संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। मेडिकल में आपको अपियर होना होगा, पास होना ही होगा, अन्यथा आपको फाइनल सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी तो आपकी अगस्त 2020 में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी एनएसएल का पर। पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको ब्रांच स्टेट अलॉट कर दी जाएंगे, उसके बाद ही आपको आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जो कैंडिडेट अनसेटिस्फैक्ट्री पाए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, यानी जिनकी सर्विस परफॉर्मेंस इंडियन कोस्ट गार्ड को लगता है कि ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट को पहले कहीं से निकाला जा चुका है उनको दोबारा मौका यहाँ नहीं मिलेगा। जो कभी अरेस्ट हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, प्रोसिक्यूटेड हुए हैं, उनको भी मौका नहीं मिलेगा। साथ ही ये थी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी आई है 10+2 एंट्री की, 2020 वाला जो बैच है 2x2020 वाला, उसके बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 26 जनवरी, लास्ट डेट है 2 फरवरी, आप 2/2/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।